You know, my first parameter to analyze any stock is whether the stock is it in giving good returns, green returns दे रहा है क्या, ऊपर जा रहा है क्या स्टॉक, ऊपर जा रहा है, बट ये स्टॉक ऊपर तो जा रहा है बट उससे ज़्यादा नीचे आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, एंड आई स्टे अवे फ्रॉम सच स्टॉक्स बिकॉज देखिए जितना वो नीचे गया है ना, नीचे ज़्यादा तो ठीक है, ओके चलता, बट ये जो बीच बीच में उसने दिखाया है ना, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये है ना ऑपरेटर्स का किया धरा इस जगह पर। तो उससे क्या होता है ना, स्टॉक में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम करके कुछ गलत किया। देखिए मैं बुराई कर रहा हूँ पर अच्छाई भी करूँगा, सबसे पहले मेरे को बुराई कर लेने दीजिए। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपको अभी बाय करना है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंसिव मिल रहा है, महंगा मिल रहा है स्टॉक, मतलब आपको लगता है कि ऊपर जाएगा बट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स एक्सपेंसिव है। आपको अगर फंडामेंटल्स देख के ऐसा लग रहा है कि ओके जो दिख रहा है कि आगे जाके आगे बढ़ेगा, सो इट्स टोटली ओके, बट टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग सीधा सीधा है कि एक्सपेंसिव है। ओनरशिप तो चलो ठीक ठाक है, एफिशिएंसी और फाइनेंशियल्स दोनों पुअर और वीक है, एंड इसीलिए मुझे वीडियो बनानी थी, आपको बताना था, इसीलिए मैंने आगे एनालाइज किया, वरना मैं ये सारी चीज़ों को भी इग्नोर, मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर आगे वाली चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें दिखेगा कि प्रमोटर होल्डिंग ये इतनी ज़्यादा है। सो मैंने आगे चेक किया, एंड देन द सरप्राइजिंग थिंग केम अवे, 5 साल से स्टॉक ने एक नेगेटिव ट्रेंड दिया है, मतलब लोगों को नेगेटिविटी नहीं फैलाया, लेकिन एक ही रेंज में कंसोलिडेट किया, जो एक बहुत ही बुरी बात है एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। 5 साल से आपने किसी भी बैंक में पैसा लगाया है एंड फिर अगर आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, सो इट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैव। देखिए अगर पीओएस की बात करें तो सबसे ऊपर पीएनबी बैंक आता है, और पीओएस सबसे ऊपर पीएनबी बैंक आता है आपको पता है, क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इन इंडियन हिस्ट्री, तो इसी वजह से हमें देखने मिलता है। बाकी अगर हम बात करें फ्रॉम जून 2020 क्वार्टर, इसने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एंड दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में रह रहा है, एंड न्यूज़ में रह रहा है तो कहीं ना कहीं हर एक बंदे के पास ये सारी चीज़ें आई जाती है। स्ट्रेंथ्स केवल दो है और उसी के मुकाबले अगर लिमिटेशंस देखो तो भर के पड़ी। एडवांस ग्रोथ कम है 3 साल में, प्रॉफिट पुअर इनकम है, फिर इनकम रेशियो कम है, फिर एनपीए ज़्यादा है, और फिर बाद में देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, कासा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कम हो चुकी है, और आगे थोड़ा सा बढ़े तो रिटर्न ऑन असेट्स वो भी कम। लेकिन ये तो शुरुआत है दोस्तों, मैं आगे आपको और एक चीज़ बताऊंगा तो आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर है, ये नेट प्रॉफिट देख लीजिए आप, ये नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, क्वार्टरली रिजल्ट का है उसको छोड़ते हुए। ओके हम यहाँ पर जनरल एक ईयर ऑन ईयर का देखेंगे, 2016 का 17 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 में इन्होंने लॉस किया था 1500 करोड़ का, 2018 में ये 1500 करोड़ का लॉस किया था, उससे भी बढ़कर डबल का डबल हो गया, 6000 करोड़ का लॉस किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो 5000 करोड़ का लॉस किया, उसके पहले भी 3000 करोड़ का लॉस किया, लेकिन ये 2000 करोड़ का प्रॉफिट कहाँ से आया पता है आपको, वो यहाँ से आया। थोड़ा सा और ऊपर चलो आपको दिखेगा कि ऑपरेटिंग इनकम और अदर इनकम जो है ना वो बढ़ी है। अब जैसे कि देखो अदर इनकम जो 6700 थी वही 7400 हो गई है, जो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी है, और जो इस इन्होंने इंटरेस्ट अर्न किया है और जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग। हमें इसके अंदर एक राहत देखने मिली, प्रोविजंस भी 7000 करोड़ से कम हो गए, अगर आप देखो तो टोटल प्रोविजंस तो इस तरह से कम हुए हैं, दैट इज वाई हमें इसके अंदर बढ़ोतरी देखने मिली। और एक बात कर लेते हैं इसके डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स तो ओके डिपॉजिट्स थोड़े से कम हुए हैं, पर उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें बोरिंग्स की, सो बोरिंग्स भी कम हुई है, जो एक ठीक ठाक रोल प्ले करती है किसी भी स्टॉक में। बट अभी तो आते हैं हम इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे। सो स्ट्रेंथ्स कंपनी की ये है कि सॉरी वीकनेस पे की पहले बात कर लेते हैं, कि इसके जो टेक्निकल्स है वो बहुत ही वीक है और इनका एनपीए बढ़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एनपीए डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो,
अगर आपको ऐसा लगता है कि टेक्निकल्स पे मुझे भरोसा करना है तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतने सालों में गिरा है और क्या बढ़ेगा तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से इसका पैटर्न नेगेटिव में एंड आई डोंट लाइक दिस स्टॉक, सो मैंने इसको इग्नोर ही किया है। एंड थर्डली, कंपनी का मार्केट कैप हाई है लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग कम, ठीक है चलो उसको वीकनेस से हटा दो वो चलेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स की, तो स्ट्रेंथ्स में अभी तारीफ की बात आई है, इसने प्रमोटर मतलब हाई ग्रोथ स्टॉक विद प्रमोटर्स इंक्रीजिंग होल्डिंग, तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, नेट कैश फ्लो और ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा आ रहा है। मतलब देखिए ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा आया मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, अदर इनकम के थ्रू आया तो थोड़ा सा एक जनरल नेगेटिविटी आप फैला सकते हो। ईपीएस ग्रोथ अच्छी हुई है और इसका कैश फ्लो भी अच्छा हुआ है, और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना इसके एक स्ट्रेंथ की, तो वो ये लगी कि इसका जो शेयर होल्डिंग का फंड है, शेयर होल्डर का फंड है, वो इफेक्टिवली यूज़ किया गया है, जो अपने ही आप में एक बहुत ही अच्छी बात होती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ईयर ऑन ईयर का चाहिए, और इसका जो कैश जनरेटिंग एबिलिटी है वो भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है ऑफ वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल्स, और ओके वैसे तो जीरो प्लेस है वो तो ओके, इट इज़ ओके जनरली डेफिनेटली ओके। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो कंपनी ने फ्रॉम 2009 से डिविडेंड देना बंद कर दिया है और उसके बाद से डिविडेंड नहीं दिया है, और देगी भी कैसे, आपके सामने 2009 का चार्ट पैटर्न है। 2009 का एक बड़ा सा पुश आया था, फिर गिरा दिया स्टॉक को, और अभी तक गिर ही रहा है। अभी का ये ना हो कि फिर से ऑपरेटर्स जिस तरह से देखिए हर साल इसको उठाते हैं, ये इधर उठाया इधर उठाया इधर उठाया इधर उठाया, उसी तरह से अभी भी उठाकर फिर से नीचे पटकते, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में ये हमेशा से देखा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड दिया है। अगर आपको फिर भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये जो ट्रेंड दिया है ना मैंने आपको, थोड़ी सी मोटी लाइन हो गई बट आई थिंक यू कैन एडजस्ट, तो इस लाइन को ब्रेक करता हुआ वो नहीं जाना चाहिए, मतलब वो उस लाइन को ब्रेक कर दिया उसने तो फिर वो चलेगा और उसके ऊपर स्टेबल हो गया और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी आने लग गई, सो दैट इज़ द वेरी गुड पॉइंट फॉर एनी स्टॉक। तो देखिए आपने देखा कि इसने इधर से ब्रेक किया है, बट क्या वो उधर टिक पाता है या फिर से नीचे आ जाता है वो देखना ये होगा, और अभी देखना होगा Q2 और Q3 का रिजल्ट अच्छा आता है या नहीं आता है। Q2 और Q3 का रिजल्ट अच्छा आ गया मतलब आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हो, कुछ भी एक गलत चीज़ नहीं है, बट अगर Q2 का रिजल्ट खराब आया Q3 का रिजल्ट खराब आया, क्योंकि देखिए COVID-19 की सेकेंड वेव चले गई है और अभी Q2 का रिजल्ट मेरे हिसाब से और अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स अच्छा ही आना चाहिए, चलो Q2 में थोड़ा सा खराब आ गया, लेकिन Q3 अगर खराब आ गया ना सो आप इस स्टॉक से हट जाना, इस स्टॉक में कोई फ्यूचर नहीं है। अगर बाय चांस ये अभी कितने प्राइस पर है, अब 57 पर है, ये अगर 500 पर पहुंच जाए तो बस समझ लेना है ऑपरेटर का गेम है, बट स्टिल आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने उस टाइम पर क्यों स्टॉक को बाय नहीं किया, बिकॉज आपने देखा कि वॉरेन बफे जी ने डिज्नी के शेयर्स को सेल कर दिया और डिज्नी के शेयर्स की आज वैल्यू खरबों में, तो आज जो वॉरेन बफे की इनकम है उससे ज़्यादा उनकी होती नेटवर्थ अगर उन्होंने वॉरेन वो डिज्नी के शेयर को सेल नहीं किया होता। और उससे इंटरेस्टिंग बात तो है कि उन्होंने दो बार सेल किया, मतलब उन्हें एक बार मिला उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ उन्होंने सेल कर दिया, फिर उन्हें कई सालों के बाद और मिला और उन्होंने फिर से सेल कर दिया। राकेश झुनझुनवाला जी ने एक शेयर को सेल करके घर लिया और आज उस घर की वैल्यू कुछ भी नहीं है लेकिन शेयर की वैल्यू करोड़ों में। तो ये सारे लेसन्स बिलियनर्स ने खुद से लिए हैं और हमें भी लेने चाहिए, और अगर हमने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, हमने खुद के एक्सपीरियंस से लिए, तो ये एक्सपीरियंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि बुक से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको कोई नहीं दे सकता है, बिकॉज ऑथर 10 साल मेहनत करता है, 10 साल पापड़ बेलता है और फिर बाद में बुक लिखता है अपने पूरे एक्सपीरियंस के किस तरह से वो उभरा उसमें से, एंड वो बुक पॉपुलर हो जाती है और उसके अंदर से हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं। हम दो बार रीड करेंगे, तीन बार रीड करेंगे, जितनी बार भी रीड करेंगे उतनी बार हमारी नॉलेज गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज रिकमेंड बुक्स। एंड मैंने वो इतना ईजी कर दिया है कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए कि आप उसको क्लिक करोगे सीधा बेस्ट बुक्स पे चले जाओगे और वो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आपको अगर बुक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप रिच डैड पुअर डैड ये बुक पढ़ के चालू कर सकते हो, आप जाओ रिच डैड पुअर डैड सर्च करो और वो बुक को बाय करो, या फिर ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन बेस्ट है, आप उसकी समरी देख लो फिर उसको यहाँ पर खरीद के पढ़ो, सबसे बेस्ट बुक है, आपको मज़ा आएगा बुक्स में एंड देन यू विल गेट टू गेट नॉलेज। सो आई होप, इसी के साथ वीडियो बंद करना चाहूँगा, आई होप कि मेरी जो बात है वो क्लियर हुई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।